क्या तुम लोग निंजा हथौड़ी देखते हो? क्या तुम लोग डोरीमोन देखते हो? तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कार्टून्स के डार्क सीक्रेट्स। डार्क सीक्रेट जैसे कि निंजा हथौड़ी के बाल कैसे हैं, डोरीमोन अलमारी में क्यों रहता है भाई, कबर्ड में क्यों रहता है, शुजुका के कितने पापा है, मतलब उनमें से रियल पापा कौन है, और भी बहुत सारी चीजें। तो चलते हैं वीडियो में। उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 4 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए हमें सिर्फ 17,000 सब्सक्राइबर चाहिए। अगर तुम अभी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं डार्क साइड्स की तरफ। तो आज हम देखते हैं एनिमे कार्टून्स के 7 डार्क सीक्रेट्स को। कार्टून्स भाई, तेरा फेवरेट क्या था अभिषेक, निंजा हथौड़ी या फिर डोरीमोन? मेरा फेवरेट था छुनछुन मौसी के लड्डू। ओ, ये तो सबका फेवरेट है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि डोरेमोन निंजा हथौड़ी जैसे कार्टून सीरीज कॉमेडी कैटेगरी में आते हैं, बट फिर भी उनमें कुछ ऐसी मिस्ट्रीज छुपी होती हैं जिनको जानने के लिए हम हमेशा ही बहुत क्यूरियस होते हैं। यो ब्रो, ये मैं बचपन से सोचता था कि निंजा हथौड़ी के रियल बाल कैसे होते हैं। एक्चुअली निंजा हथौड़ी टॉप जी को फॉलो करता है। क्या मतलब, वो टकला है इसीलिए वो सर पे टोपी डालता है। ओके, जैसे तू डालता था ऑपरेशन के बाद। तो आगे देखते हैं यार, डोरेमोन कबर्ड में ही क्यों सोता है और इस नूडल ईटर का असली सच क्या है? तो यार आज हम कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के पीछे छिपे थ्योरीज को जानेंगे जो सच में बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है, तो इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी मिस मत करना। ओके लेट्स गो। पहला क्या है भाई, पहला मिस्ट्री बताओ। लेट्स गो। ये वाला सीक्रेट बहुत अमेजिंग है। देखो यार, निंजा हथौड़ी को तो हम सभी ने देखा है और जाहिर सी बात है उसके बॉडी पार्ट्स को भी देखा है। बॉडी पार्ट्स? क्या बात कर रहा है भाई, मैं जूता फेंक के मारूंगा, अश्लील बातें मत कर यहाँ पे। अरे हाथ पैर की बात कर रहा है यार तू भी। नॉटी हो रहा के बैंक। His hairs. निंजा हथौड़ी के किसी भी एपिसोड में हमें उसके बालों के बारे में नहीं बताया गया है। इवन एक एपिसोड में जब यूमिको को हथौड़ी के हेयर के साथ मैगजीन के लिए फोटो लेनी होती है, तब भी हथौड़ी अपना असली बाल किसी को नहीं दिखाता। और गाइस, सभी फैंस के लिए बस एक ही रिप्लाई देता है कि एक असली निंजा अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता। एक सेकेंड, फिर ये जो अमारा है वो क्या नकली निंजा है? मतलब कि वो तो अपने बाल दिखाता है ना। ब्रो वो अमारा नहीं, वो आवारा है। अब जब इसी सीक्रेट को जानने के लिए मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया तो मुझे तो ना के बराबर चीजें हाथ लगी, बट फॉर्चुनेटली कुछ जुगाड़ करने के बाद मुझे जापान की एक वेबसाइट से ये पता चला कि जब एक इंटरव्यू के दौरान फुजिको फुजियो से सेम क्वेश्चन किया। भाई ये फुजिको फुजियो वही है ना जो कार्टून बनाता है। एग्जैक्टली, जापानीज कार्टून जैसे कि डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, कितरेत्सु, गोलकपुर का भीम। तो उन्होंने बताया था कि अगर आप हथौड़ी के हुड को हटाओगे तो वो चिनमाकी, जिसे हम इंडिया में आवारा के नाम से जानते हैं, कुछ उसके आवारा थोड़ी है, वो अमारा है भाई। मैंने आवारा बोल दिया तो इसका मतलब तू भी उसको आवारा बोलेगा भाई, वो अमारा है। Okay. सही दिखेगा। एंड गाइस, अगर आप हथौड़ी के पापा एंड निंजास के रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक मिनट भाई, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, हथौड़ी का पापा भी है। वही भाई, हथौड़ी का बाप कब से हो गया? मेरे को लगा हथौड़ी का बाप टेस्टर विस्टर रहेगा, पाना छेना। ये तो कार्टूनी लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है भैंस की दो भिंडी लटका दी है इसके मुंह पे। ऐसा लग रहा है ये चाइनीज है निंजा हथौड़ी, और कैटफिश जैसी तो शक्ल है इसकी। भाई फर्स्ट टाइम इसके पापा को देखा, क्या तुम लोग ने इसके पापा को देखा था भाई, कमेंट में बताओ। क्या आप लोग ने आलम के पापा को देखा है? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं तो। मतलब मैं तुमको एडिट करके बता देता हूँ, निंजा हथौड़ी बालों के साथ कुछ ऐसा दिखता। देखा, मैंने इतनी मेहनत की है, तुम एक लाइक करो अभी करो। अरे ये हथौड़ी किधर देखेला लगता है। गाइज, अब निंजा हथौड़ी की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ने निंजा हथौड़ी के एनिमे के बीच में आने वाले इस निंजा बर्ड के बारे में भी कुछ हिडन चीजें जान लें। भाई तू ये निंजा बर्ड को जानता है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। देख, अपन लोग जब ऐसा कार्टून देखते थे बीच में एक बंदा आता था। अरे वही है ना जो एपिसोड्स के बीच में आके बताता था कि आज डिंग 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 आज निंजा हथौड़ी ने ये किया। हाँ, ये सही बोल रहा है। पता है भाई, देख दे इसके बारे में क्या डार्क फैक्ट है। यस, क्या है इसकी काली राज? तो क्यों ने निंजा हथौड़ी के एनिमे के बीच में आने वाले इस निंजा बर्ड के बारे में भी कुछ हिडन चीजें जान लें। तो विल गाइस, जब तक फुजिको फुजियो निंजा हथौड़ी के मांगा सीरीज पर काम कर रहे थे तब तक तो उन्हें इस बर्ड की न के बराबर जरूरत थी, पर जब मांगा से इंस्पायर्ड होकर निंजा हथौड़ी के एनिमे सीरीज को बनाया गया तो प्रोड्यूसर्स को एक ऐसा कैरेक्टर सिलेक्ट करना था जो सेगमेंट्स के बीच में आकर आगे क्या होने वाला है उसको फनी वे में बता सके, जिसके लिए एटलास्टली उन्होंने इस निंजा बर्ड को सिलेक्ट किया। वैसे अब तक हिंदी डब्ड वर्जन में इसका शायद ही नाम बताया गया है, बट ओरिजिनल जापानीज एपिसोड्स में ये खुद को सोले कारो बताता है।
ये कितना हरामी बंदा है। इसके बाद में डार्क क्या था भाई, डार्क क्या था इसका सीक्रेट? वही भाई डार्क क्या था, मेरे को तो भाई सब डार्क दिख रहा है, सब देखने मुझे अंधेरा दिख रहा है यार, मैं मेरे को दिख नहीं रहा भाई। तो अपने चश्मा पहनना भूल गया क्या भाई, चश्मा पहन ले। हाँ भाई एक मिनट भाई, बात भाई तूने याद दिला दिया। अच्छा वेट भाई, अब बरोबर दिखेगा भाई, लेट्स गो बड़ी, लेट्स गो गाइस। नॉनसेंस, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ए ब्रो अभी मस्त चीज आने वाली है, जरा ध्यान से देख, तेरा फेवरेट डोरेमोन का। भाई तुझे याद है ना लोग अपन डायनासोर का अंडा ढूंढते थे? हाँ स्कूल के अंदर भाई हम लोग डायनासोर के अंडे ढूंढते थे, जमीन के नीचे खोदते थे, और हमको जो भी ऐसे कोई थोड़ा नॉर्मल मतलब थोड़ा हटकर पत्थर मिला ना जो बाकी पत्थर से अलग हो, डायनासोर का अंडा भाई, डायनासोर का अंडा। लोग रिसेस में खाना खाते थे, हम पत्थर ढूंढते थे, डायनासोर का अंडा भाई, डायनासोर का अंडा, वो भी स्कूल के ग्राउंड में। बहुत येड़े बच्चे लोग तेरे, अपन ऐसे बच्चों को तो बेल्ट से मारना चाहिए भाई। क्रैक्स का टॉयज तुम लोगों को पता है, क्रैक्स का टॉयज आता था उसके अंदर वो मिलता था, अरे ग्लोइंग टॉयज मिलते थे भाई, ग्लोइंग टॉय डायनासोर मिलता था भाई, उन्होंने छुपा के रखा था याद है। हम लोग स्कूल में ड्रोन बनाते थे पर वो कभी बन नहीं पाया, अभिषेक के पास अभी भी वो मोटर मीटर है, दिखा जरा भाई, देख रहे हैं तुमको, ये देखो भाई पूरा कारिस्तान है इसके अंदर, इसके अंदर तुमको टायर मिलेगा, इसके अंदर तुमको बॉल व्हील मोटर, मोटर मोटर तुमको दिखाओ कितना बड़ा मोटर है, ये मोटर दिख रहे हो क्या, इतना बड़ा मोटर लेके घूमता था स्कूल में भाई, बहुत कारिस्तानी चीज करते थे। आगे देखते जो यार, आपने कभी गौर किया होगा या फिर नहीं, बट क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी आया है कि जब से शिवासी डोरेमोन को नोबिता के पास छोड़कर गया है तब से ही डोरेमोन कबड़ में ही सोता है। ये कबड़ में क्यों सोता है? हाँ मतलब वो चाहे तो नोबिता के साथ भी सो सकता है, और उसके पास गैजेट्स भी है इवन दो, तो भाई गैजेट्स निकाल के सो सकता है। एनीवे डोर निकाला, उसका मन किया ताजमहल में जाके सो गया। व्हाट द हेक, ये तो तुमने बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज बोल दी। हाँ ये है पॉइंट वाली चीज की, वो कबड़ में ही क्यों सोता है। देखते हैं, वो नोबिता के साथ भी तो सो सकता था ना, जैसा वो करता है जब उसे और नोबिता को कभी कभार घर के बाहर सोना पड़ता है। तो यार जैसा कि हम जानते हैं कि डोरेमोन फ्यूचर का एक रोबोट है, और फ्यूचर में इवन रोबोट्स के भी अपने प्राइवेट रूम्स होते हैं लाइक डोरीमी, इसलिए डोरेमोन को भी शुरुआत से अपना एक प्राइवेट कमरा चाहिए था। अगर वो एक रोबोट है तो वो सोता क्यों है? भाई मशीन्स को तो शायद मेरे हिसाब से रेस्ट की जरूरत नहीं होती, चुपचाप से एक चार्जर घुसा देगा और मजे कर देगा, है कि नहीं भाई? इसका मतलब डार्क सीक्रेट तो हम बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? बात तो सही है कमरा चाहिए था, बट नोबिता के पेरेंट्स के पास पैसों की कमी की वजह से उसका ये सपना सपना ही रह जाता है, जिस कारण एट लास्टली वो अपना कमरा कबर्ड में ही बना लेता है। वेल गाइस, इस थ्योरी के सच होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ये क्या गरीबी के कारण उसे कबर्ड में सोना पड़ता है। डार्क सीक्रेट नंबर 4, क्या आप डोरेमोन में उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को जानते हो जिसको टीवी पर डोरेमोन और नोबिता से भी ज्यादा दिखाया गया है? नहीं विश्वास हो रहा है ना? चलो कोई नहीं, आप डोरेमोन के इस सीन में इस वाले कैरेक्टर को देखो। पर वो जो आदमी दिखा रहे थे वो तो डोरेमोन का सर था ना पढ़ाई करने के टाइम पे। भाई तुझे कार्टून्स का बड़ा नॉलेज है यार। भाई जिंदगी बीत गई कार्टून देखते देखते, अब खुद भी बन चुका हूँ। मैंने तो नहीं देखा उसको कभी, मैंने शायद कहाँ पता नहीं कहाँ देखा है भाई उसको, बस देखा इतना याद है। और वो निंजा हथौड़ी में भी एक सर था स्कूल का, मतलब समझ रहे हो जिसने इन दोनों कार्टून को बनाया, फूजी ने, फूजी कर रहा है सर, फूजी। आजा नागपुर की पब्लिक, फिर तेरे को दिखाएंगी तकलीफ, चाय पिएगा, बिस्कुट खाएगा, वापस जापान को जाएगा। आ मेरी जान, ये क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे भाई ये तो केनिजी के गुरुजी हैं। और ये कैरेक्टर सिर्फ डोरेमोन और निंजा हथौड़ी में ही नहीं बल्कि परमन कुटारो और अल्ट्रा बी जैसे बहुत से एनिमे शोज में आ चुके हैं, जो कि मैंने बोला ना बहुत सारे शोज एक साथ में मिक्स है भाई, मतलब ये जो कैरेक्टर है वो पूरा मिस्ट्री कैरेक्टर है। मोस्ट ऑफ द टाइम नूडल जैसे जापानीज डिश जिसे हम रामेन के नाम से जानते हैं उसे खाते रहते हैं। अब अगर आपने इन एनिमीज पर गौर किया होगा तो आपको ये समझने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा कि इन सभी एनिमे जिसमें हम ये मिस्टीरियस कैरेक्टर देखने को मिलता है उन एनिमेज को फुजिको फुजियो ने ही क्रिएट किया है। पर यार सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये मिस्टीरियस कैरेक्टर है कौन, और भाई क्यों फुजिको फुजियो ने इस कैरेक्टर को अपने सारे एनिमीज में रोल दिया है? तो गाइस इन अंकल का नाम है कायोके, और जो इस कैरेक्टर के ओरिजिनल मॉडल है ना उनका नाम है सिनिची सुजुकी, जो कि एक कायोके नाम के घर में करते थे। और यार इसका मतलब जो सुजुकी गाड़ी है वो इसकी गाड़ी है, मारुति सुजुकी भाई, मतलब सिंगानिया ग्रुप मेरा है भाई। और एक इंटरेस्टिंग बात तो इस कैरेक्टर के बारे में ये भी है कि इस कैरेक्टर को रामेन खाना इतना ज्यादा पसंद था कि शादी के बाद भी ये कैरेक्टर सिर्फ रामेन ही खा रहा था। अब भाई आंटी भी कितना रामेन बनाएगी, हर चीज की लिमिट है ना, जिस वजह से इन आंटी को नारी सब पे भारी ये वाला स्वरूप इनको दिखाना पड़ा। और फिर एट द एंड इनको ओकेजनल ही रामेन खाने की परमिशन मिली, #permission to eat ramen। भाई ये है इसका डार्क सीक्रेट की वो बहुत ज्यादा रामेन खाता था।
भाई ये भी बोल दो, ये भी खाता था। वाह 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 वाह, क्या इसके डार्क सीक्रेट है। अब यार अगर हम डोरेमोन के मिस्ट्रेस की बात कर ही रहे हैं तो उनके पेरेंट्स के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। सुजुका's फादर, ये डोरेमोन सीरीज के वो कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हमें ना के बराबर पता है। और अगर सुजुका के फादर को हमने आज तक नहीं देखा तभी समझू ये सुजुका क्यों क्यों नोबिता के साथ अत्याचार करती थी। मेरे को तो लगा था सुजुका अनाथ है। सेम भाई, मुझे लगा यार उसकी माँ है लेकिन उसका बाप नहीं है। बेचारा उसकी मम्मी काम करती रहेगी, पैसे लाती रहेगी घर में, पाल के उसकी सुजुका को बड़े किया ताकि नोबिता से शादी करे, फिर नोबिता भाई डम्ब ताकि भाई वो पैसा कमाए भाई, तभी तो जाके दोनों अच्छी फैमिली बनाएंगे, फिर डोरेमोन को भगा देंगे। पर उसका बाप भी है, तू समझ रहा है, रिश्ता पक्का करने के लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। पता भी है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई। पहली बात तो ये डोरेमोन का सीरीज में बहुत कम ही नजर आते हैं, और दूसरी बात कि अगर ये नजर भी आते हैं तो हर बार अलग अलग बॉडी शेप में। एग्जांपल के लिए आप इस इमेज को देखो और फिर इसको भी देखो, ये दोनों को ही डोरेमोन के एपिसोड में सुजुका के फादर के तौर पर दिखाया गया है। मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप, मतलब जिसे हम एक भी नहीं समझ रहे थे उसके तो दो दो है। कंफ्यूजिंग बात। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि इनका नाम है योशियो मिनामोटो, और डोरेमोन के फैंस आज भी इस मिस्ट्री को जान नहीं पाए हैं। और यार वो सिर्फ डोरेमोन के एनिमीज में ही नहीं बल्कि फुजिको फुजियो के लिखे स्टोरीज में भी ये कभी मोटे नजर आते हैं तो कभी पतले, कभी मूंछों के साथ तो कभी बिना मूंछों के, जिस कारण बहुत से लोग, मतलब अनेकों पापा है इसके, पापा की फैक्ट्री है इसके पास, पापा मेरे पापा। लोगों का तो ये तक मानना है कि सुजुका की मम्मी ने जरूर दूसरी शादी की होगी जिसकी। ओ शिट, आलोक तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म हो जाती है, यहीं पे कार्टून के डार्क सीक्रेट आज के लिए खत्म होते हैं। अगली बार फिर से ये डार्क सीक्रेट आएंगे अगर इस वीडियो पे 20,000 लाइक हो जाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।